प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सर, हमेशा लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी जो हमने शो किया था, तो उसमें जब हमने इंडियन मुस्लिम्स की बात की थी, तो काफी लोगों को वो पसंद आया था। और आज भी हम जरा बात करेंगे, आप यूके गए थे और वहां का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या देखा वहां पे, और क्या फर्क आपको लगा कि जिसकी वजह से वो जाहिर है कि पाकिस्तानी वहां पे बहुत है, बेशुमार है। लेकिन एक जो मेयर साहब भी है, मेरे ख्याल सादिक उनका नाम है, उनको उन्होंने उनका कहना ये है कि जी इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से यूके में फैल रहा है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? जी, मेरा जाती एक्सपीरियंस तो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। वहाँ पे मैं एक महीना रहा इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में, एक दफ़ा भी मैंने महसूस नहीं किया कि मुझे एशियन होने की वजह से या मुसलमान होने की वजह से कहीं पर भी कोई टारगेट किया गया है या इम्तियाजी सलूक किया गया है, कहीं पे भी नहीं। और मैंने सही मानों में सिविलाइज्ड लोग देखे, वो लोग जो अब बहुत हद तक रंगो नस्ल और मज़हब और अकीदे के जो मुख्तलिफ हमने एक दायरे खींचे हुए हैं, उनसे बाहर निकल गए हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि इस किस्म की कोई चीज़ है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे ये इस्लामोफोबिया का ये जो एक नारा है, ये विक्टिम कार्ड का ही एक दूसरा रुख है कि आप खुद ऐसी हरकतें करते हैं, आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, आप क्राइम करते हैं, आप कम उम्र की बच्चियों के साथ आप फ्लर्ट करते हैं, मोलेस्ट करते हैं आप उन्हें, और जब आपको पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं जी ये तो जी हमें विक्टिमाइज करने हैं, ये तो जी इस्लामोफोबिया है। ऐसी कोई बात नहीं है जी, मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, मगर सर वहाँ पे बहुत हमारे जो कई पॉलिटिशियन हैं वो वहाँ से पढ़कर भी आए हैं और बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं इनके पास, चाहे वो इमरान खान हो या और दूसरे कई, क्यों यहाँ पर वो तालीम इनको जो है वो आके याद नहीं रहती और ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं, हर चीज में जो है वो रिलीजन ले आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? जबकि यूके से पढ़कर आए या अमेरिका से पढ़ के आए तो यहाँ तो एजुकेशन स्टैंडर्ड की वजह से बहुत सोच में फर्क आना चाहिए। देखिए जी, असल में लीडर तो वो होता है जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाता है, उनकी उनको नई वैल्यूज देता है, उनको नए पर्सपेक्टिव से रोशनास करवाता है, वो लीडर होते हैं। और एक वो भी लीडर होता है जो के पब्लिक सेंटिमेंट से खेलता है, जो वो बातें करता है जो जज्बाती तौर पे लोगों को मुश्तइल करती हैं, वो लोगों के जज्बात को उभारता है और अपने मकासद हासिल करता है। तो अब ये जो रिलीजन कार्ड है, ये बड़ी आसानी से यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि कुछ तकरीरों में तो हमने देखा भी कि वो पीछे से एक साहब ने कहा कि रिलीजन कार्ड भी ज़रा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये इस किस्म की चीज़ें लोगों को बेसिकली एक इमोशनली चार्ज करने के लिए आसान तरीन है ना ये, क्योंकि लॉजिक से बात करना, रैशनल बात करना, दलायल से बात करना मुश्किल होता है, जज्बाती तौर पे इश्ताल दिलाना बड़ा आसान होता है, और उसके लिए रिलीजन से बेहतर हथियार और क्या हो सकता है। ये तो आप भी जानती हैं कि आप रिलीजन को दरमियान में लें और लोगों के जज्बात को उभारें और लोगों से आप एक खास किस्म के बिहेवियर की तवक्को करेंगे, आप ये ऐसा करेंगे जी। आज मगर सर हमारे यहाँ तो एक हमने ये भी सोच रखी थी कि जी अगर हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे आएंगे पॉलिटिक्स में, प्राइम मिनिस्टर बन के या मिनिस्टर्स जो आएंगे, तो उससे पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा, जरूर कोई तरक्की होगी, कुछ बेहतरी आएगी।
जबकि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम अगर भारत में देखते हैं तो वहां पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनको चाय वाला कहा जाता है कि वो चाय पहले बनाया करते थे या चाय बेचा करते थे व्हाटएवर, तो उन्होंने जो है वो भारत की इकोनॉमी को भी आगे ले गए, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो गई है, वो रशिया से भी ऑयल लेते हैं तो उन्हें अमेरिका को जवाब नहीं देना होता। तो ये सब क्या वाकई में तालीम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है या सोच में फर्क है? असल में जी बात ये है कि मेरा ख्याल है जो रवैये हैं ना और जो मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे। फॉर्मल एजुकेशन तो हमारी अपनी पाकिस्तान की तारीख ने साबित किया कि बहुत से लोग फॉर्मली बड़े एजुकेटेड थे लेकिन उन्होंने बर्बाद करके रख दिया मुल्क को, सोसाइटी को, रियासत को, इदारों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन बहुत थी, बाहर के पढ़े हुए थे बहुत से लोग, आपको मिलेंगे एग्जांपल्स, नाम मैं क्या लूँ उनके, आप रीसेंट हिस्ट्री में देख लें, आप पीछे चले जाएं। तो ये लोग जो थे ये इनमें वो विजन नहीं था, इनसाइट नहीं थी, सिर्फ ये था कि जी ये फला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ये फला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। इसके बरक्स आप भारत में देखें कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे वहां पे, लेकिन वीएन है, इनसाइट है, वे फॉरवर्ड है उनके पास, मॉडर्न वर्ल्ड की जो वैल्यूज हैं वो उन्होंने इख्तियार की हुई हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, इकोनॉमी का क्या रोल होता है एक मुल्क की डेवलपमेंट में उसको समझते हैं। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव्स का ये फर्क है और यही चीज है जो कौमों को आगे लेके जाती है और कौमों को पीछे ले जाती है कि आपने आपका पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया को आप किस एंगल से देख रहे हैं। जी अर्जुन बिल्कुल, लेकिन सर आप भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके सीईओज लग गए, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं हो पाया, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है? बल्कि कई लोग तो बाहर से भी पढ़कर आते हैं तब भी नहीं बन पाते, क्या वजह है कि पाकिस्तान उस दौड़ में या उस रेस में हमें कहीं दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता? बहुत से फैक्टर्स हैं जी। एक तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो लीडर्स तैयार नहीं करता, वो सिर्फ फॉलोअर्स तैयार करता है। आप यहाँ पे देख लें, पाकिस्तान में देख लें कि बहुत सी कंपनीज में आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल होता है, हालात ख़राब होते हैं, आप टॉप पे एक गोरे को ला के बिठा देते हैं और वो गोरा जो है वो उस पूरे इदारे को दुरुस्त कर देता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग अपने बच्चों में वो इंडिपेंडेंस और वो रीजनिंग और वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप ही नहीं होने देते। यानी बच्चा शुरू में आप देखें शादी हुई तो फिर प्रेशर होगा जी कि अब बच्चा होना चाहिए जी, अब वो अगर एक खास पीरियड से वक्त ज्यादा हो गया तो फिर पूछते हैं जी कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, अच्छा बच्चा लड़की होगी तो फिर अब लड़का होना चाहिए, अच्छा लड़का हो गया तो बस इसको जी पायलट बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, अच्छा अब वो जरा वो बच्चा जो है वो दूसरों के रहमो करम पे होता है और फिर वो जब मैट्रिक में आता है तो इसको जी साइंस के मजमून पढ़ाने हैं जी, ये डॉक्टर बनेगा, अब हो सकता है उसका एप्टीट्यूड ना हो तो फिर उसके बाद जी अब ये इसने FSC कर ली है, अब ये डॉक्टर बन गया है, अब इसकी शादी करनी है, फिर जनाब फलां जगह शादी करनी है, फिर वो फला जगह शादी होती है उसकी, फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। अच्छा अब ये पूरा जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में आपको खुद अपने तौर पे कोई डिसीजन लेने दिया ही नहीं जाता, दूसरे डिसीजन ले रहे हैं, तो जब दूसरे आपके लिए डिसीजन लेंगे तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डिवेलप होंगी? लीडरशिप क्वालिटीज वहां डिवेलप होती हैं जहां पे के आप खुद अपने तौर पे डिसीजन लें, आपको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, आपको आठवीं नवीं दसवीं जमात के बाद पेरेंट्स कहें कि भाई अब खुद कमाओ, तुम हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, जो कुछ करना है खुद करना है, अपने तौर पे करना है, तो वो जो गोरा है वो उसको खुद डिसीजन लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। अच्छा इंडिया की आप बात कर रही है, इंडिया बहुत हद तक अब
वो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की वैल्यूज है ना, इनको इंडियंस ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। उनके नजदीक अब रिलीजन आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, रिलीजन की अपनी एक जगह है, और वो भी मैं समझता हूँ कि एक रिएक्शन के तौर पे रिलीजन सामने आया है। अदरवाइज वो लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो लोग, उनको पता है कि IIT क्या है, IIM क्या है, हार्वर्ड क्या है, कैम्ब्रिज क्या है, स्टैनफर्ड क्या है, बच्चों को बाहर भेजना है, खुद कमाएंगे और खुद वो अपने तौर पे अपना फैसला करेंगे। और जब आप में ये चीजें आ जाती हैं तो फिर आप लीडर भी बन जाते हैं। जब आप लीडर बनते हैं तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को भी आप लीड करते हैं, फिर आप गूगल को भी, फिर आप फेसबुक को भी लीड करते हैं। तो ये क्वालिटी जो है, ये सोसाइटी में रहते हुए आप देखते हैं कि किन वैल्यूज को सोसाइटी प्रमोट कर रही है। तो जहां पे आपने फैसला ही दूसरों के कहने पे करना है, वहां पे आप लीडर कैसे बने। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और वसीम अल्ताफ का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत के बढ़ते हुए दबदबे के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय आज दुनिया की हर स्टेज पे छाए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से लेके बड़ी बड़ी नौकरियों पे भारतीयों का दबदबा है, और दूसरी ओर भारत के जो रिश्ते हैं वो भी बाहर की कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छे, यानी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम कमाल की है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।